अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन डायरेक्शन। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम हैं इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी एक शॉप के अंदर। तो मैंने तो विंडो शॉपिंग ही करनी थी, मैंने क्यों ना आपको भी साथ में विंडो शॉपिंग करवाई जाए और आने वाले लेटेस्ट जो मॉडल हैं वो दिखाए जाएँ। तो जनाब, चूँकि खवातीन अपनी ही चीज़ों को ज़्यादा सबसे प्रेफर करती हैं, तो मैंने भी सबसे पहले जो चीज़ देखी है वो है था हेयर ड्रायर, जो कि डायसन का था। इसके फंक्शन काफ़ी अच्छे थे लेकिन प्राइस भी अच्छी खासी थी, यानी कि 398 यूरोज़ का ये एक हेयर ड्रायर था। चुनाव उसको हमने वापस रखा और जो नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम आए वो थे फैंस। ये बिल्कुल भी वो फैंस नहीं है जो यूट्यूब या फेसबुक पे होते हैं, ये दूसरे वाले फ़ैन हैं जिनसे हमें हवा मिलती है, ये हवा आती है। ये इसमें दो किस्म के फंक्शन थे, ये बिल्कुल आपके सामने इसके फंक्शन भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ठंडा और गर्म दोनों ही किस्म की हवा देता है। तो जब इसकी प्राइस देखने के बाद बिल्कुल भी ये दिल नहीं किया कि इसे हवा ली जाए। इसकी प्राइस 599 यूरोस थी। लेकिन मॉडल अच्छा था, लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी इस किस्म के अच्छे मॉडल आ चुके हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मॉडल वो डायसन ही का है। लेकिन चूँकि प्राइस 599 यूरोज़ है, तो जो ऐसी हवा से हम ऐसे ही अच्छे हैं। तो चले हम अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो दूसरे वहाँ पे, चूँकि वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी मुख्तलिफ किस्म की। ये देखें, दूसरा जो मैंने चीज़ जो अच्छी देखी वो ये थे, ये भी डायसन के थे, कुछ डायसन के थे, कुछ दूसरी कंपनीज के थे। ये है वैक्यूम्स थे, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं जो जिनकी स्टेयर्स होती हैं, ऊपर नीचे आने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बड़े आसान है इनको इस्तेमाल करना। उसके बाद ये जो सैमसंग की घड़ियाँ थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन मैंने तो लेनी ही नहीं थी, तो लेकिन हमने विंडो शॉपिंग इसकी हम कर रहे थे तो हम इसको देख रहे थे। तो जनाब, इसकी भी प्राइस यानी डिफरेंट प्राइसेस में थी, लेकिन इसकी किसी की 235-250 के राउंड अबाउट इसकी प्राइसेस थी डिफरेंट। ये न्यू लॉन्च हुई थी, तो जनाब हमने इसका क्या करना था, जब हमने लेना ही नहीं था तो हम आगे ही बढ़ गए। और आगे चूँकि आजकल फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी आती ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम देखें कि मुख्तलिफ फ़ोन्स के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड हैं या जो मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं, किसके अंदर कौन से फंक्शन है। इसलिए हमने हर कंपनी को चेक किया उनकी क्वालिटी। ये सैमसंग का फ़ोन है जो नया लॉन्च हुआ है, तो अच्छी अच्छी क्वालिटी अच्छी थी। काफ़ी हैवी किस्म का सेट था, बाजू का रखना पास भी ज़रा मुश्किल हो जाता है जब चीज़ थोड़ी सी हैवी हो, लेकिन कलर काफ़ी अच्छे थे, पिक्चर का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, प्राइजेस भी डिफरेंट थी उस लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ थी जनाब। उसके बाद जो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा धूम मचाई हुई है वो है iPhone 11। तो मैंने कहा क्यों ना उसको भी देख लें कि उसमें आखिर क्या ऐसी ख़ास चीज़ है कि लोग हर बंदा उसको लेना चाह रहा है, लेकिन हमें तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई, सवाए कि उनके कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है। लेकिन प्राइस देखने के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसको उठा लें, इसलिए कि उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। ये बस थोड़ा सा जो कैमरे का है उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है, लेकिन फ़ोन में तो तकरीबन कोई ऐसी चेंज नहीं है। लेकिन प्राइस यहाँ पे जो आईफोन ब्रो की लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 1000 यूरो से ऊपर की थी, और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल 1 लाख से भी ऊपर की ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स के मुख्तलिफ कंपनीज़ के कैमरे लगे हुए थे। मुझे एक्चुअली एक सेल्फी स्टिक चाहिए थी, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल भी नहीं लूँगी, इसलिए कि अनकरीब सोल लगने वाली हैं, सेलें लग जाएंगी और प्राइसें कम हो जाएंगी, और वैसे भी जर्मनी के अंदर चीज़ों के प्राइसेस काफ़ी कम हैं, इसलिए कि वहाँ पर टैक्स काफ़ी कम है, इसकी चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो काफ़ी कम है। तो मैं हालांकि जर्मन में नहीं रहती, लेकिन जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक की, तो मैं वहाँ ही से जाके बाय करती हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये वो थी, ये गेम है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम है, इसलिए कि इसमें जो लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म या कोई ऐसी रेसिंग गेम खेलना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त थी, इसलिए कि इसके अंदर पूरे फंक्शन थे। नीचे ब्रेक का सिस्टम था, रेस का सिस्टम था,
और इससे कोई भी रेसिंग गेम आप इससे खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छी किस्म की गेम थी, लेकिन हमें तो देख के ही पैसे पूरे हो गए, तो इसलिए हम आगे चल दिए। मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। और आज की वीडियो है यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।